तो हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर दो तरीके के होते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। तो इसमें हम बात करने वाले होंगे पोस्ट इंक्रीमेंट के बारे में, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंट नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं ए, जिसमें कि हम वैल्यू स्टोर करा लेते हैं 10। और फिर क्या करते हैं, यहाँ पर इंट नाम से एक दूसरा वेरिएबल स्टोर करा लेते हैं बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस कर लेते हैं। यही होता था इंक्रीमेंट में। तो यहाँ पर होगा क्या, आप इस चीज को समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्री इंक्रीमेंट होता है, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए इज, मतलब कि जो एक्चुअल वैल्यू ए की है, तो किसमें असाइन होगी, पहले तो फर्स्ट इंक्रीज होगी वन से, यानी कि पहले वन से इंक्रीज होगी, फिर उसके बाद बी में असाइन होगी। मतलब कि अभी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे बी की वैल्यू 11 होगी। तो यहाँ अगर इसी चीज को हमको चेक करना है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, देखिए दोनों वैल्यू चेक करेंगे, प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ यहाँ पर लिखेंगे द वैल्यू ऑफ ए की क्या वैल्यू है, यहाँ पर हम लेंगे परसेंट B, अभी अभी यहाँ पर एंड द वैल्यू वो B, एंड अगर हम B की वैल्यू यहाँ पर चेक करें तो हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर परसेंट D देंगे, फिर उसके बाद कॉमा देंगे यहाँ पे। अब क्या हमको लेना, पहले A का फिर कॉमा देंगे B का लेंगे, ठीक है। अभी हम इसको रन करा के चेक करते हैं, तो देखिए वैल्यू क्या क्या मिलने वाली है। मैंने बताया था कि यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए है वो पहले कितने से इंक्रीज करेगी, फर्स्ट इंक्रीज बाई वन एंड असाइन टू बी, पहले वन बढ़ेगी फिर बी में जाएगी। इसको रन करके देखते हैं, देखिए वैल्यू ऑफ ए अभी क्या हो गई, ध्यान से देखिएगा, वैल्यू ऑफ ए जो है वो 11 है और बी की वैल्यू क्या है, 10 है। समझ में आई बात आपको, जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या हुई है, ए की वैल्यू 1 से बढ़ी है, यानी कि ए की वैल्यू है 1 बढ़ी है, फिर पहले क्या हुआ था इसमें असाइन हुई है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू बी में असाइन हुई है, 10 वैल्यू बी में असाइन हुई है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे बी की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, बल्कि वैल्यू किसकी बढ़ रही है, ए की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, क्लियर हो गया चीजें आपको। सो इसी तरीके से आप प्री इंक्रीमेंट की प्रैक्टिस करेंगे, और इसी तरीके से जो है प्री डिक्रीमेंट की प्रैक्टिस करेंगे, प्री इंक्रीमेंट की प्रैक्टिस करेंगे। अगर नहीं आएगा तो मैं अगले लेक्चर में इसको भी बताऊंगा, लेकिन आपको एक बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम बात कर रहे होंगे किसी अदर ऑपरेटर के बारे में, ठीक है।